हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल फार्मेसी स्टडी। और आज हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। ये दो चीज़ें देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें ड्रग आती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि इमेटिक्स क्या होती हैं, तो इमेटिक्स आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस वोमिटिंग। मतलब इमेटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो वोमिटिंग को प्रोड्यूस करती हैं। मतलब अगर हमको वोमिटिंग करवानी हो तो हम इमेटिक्स का यूज़ करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इमेटिक्स देख लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग आएंगी। तो फर्स्ट पे आती है स्टिमुलेंट ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये वो दवाइयाँ हैं जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करेंगी। इसमें एपोमॉर्फिन आएगी, मॉर्फिन आएगी, हाइड्रजीन आएगी, ये मेडिसिन आएंगी। सेकंड पे है एटेंट्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये वो दवाइयां हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को क्या करेंगी, इरिटेट करेंगी। इसमें मस्टर्ड, कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये इतनी दवाइयां फ्रेंड्स। ये क्लासिफिकेशन है इमेटिक्स का। आगे देख लेते हैं एंटी इमेटिक्स ड्रग। तो एंटी इमेटिक्स ड्रग की डेफिनेशन देखते हैं। एंटी इमेटिक्स आर ड्रग्स विच प्रिवेंट और कंट्रोल वोमिटिंग। जो एंटी इमेटिक्स ड्रग होती हैं वो वोमिटिंग को रोकती हैं, वोमिटिंग नहीं आने देती हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम एंटी इमेटिक्स ड्रग का। तो सबसे फर्स्ट पे आता है एंटी कोलिनर्जिक्स। इसमें हायोसिन और डाईसाइक्लोमीन। पेट अगर दर्द हो रहा है किसी का तो डाईसाइक्लोमीन दी जाती है। एंटी हिस्टामाइंस, इसमें साइक्लिजीन और मिक्लिजीन, ये दवाइयाँ आती हैं फ्रेंड। थर्ड है न्यूरोलेप्टिक्स में क्या आता है, क्लोरप्रोमाजीन और प्रोक्लोरपेराजीन, ये मेडिसिन आती हैं। फोर्थ पे प्रोकाइनेटिक्स में क्या आता है, मेटोक्लोप्रामाइड और डॉमपेरिडॉन, ये मेडिसिन आती है फ्रेंड्स। लास्ट हमारा क्या है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो इसमें ओंडेंसेटिरॉन, इसका इंजेक्शन भी आता है फ्रेंड्स, ग्रैनीसेटिरॉन, ओंडेंसेटिरॉन का इंजेक्शन भी आता है। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो उसको ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स ड्रग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है।